में भारत एक पुरुष प्रधान देश जैसे वाक्य के रूढ़ी बाधिता को ओझल करने के लिए महिला सशक्तिकरण का संदेश देने वाले कुछ नेताओं को महिलाओं का नेतृत्व गले नहीं उतरता। महिलाओं के नेतृत्व के लिए देश में आरक्षण शुरू हुए कि महिलाएं भी अपने पंचायत, अपने क्षेत्र, अपने राज्य का नेतृत्व करें, लेकिन पूरा काम उनके पति के इशारों पर चलता है, भले ही यदि पत्नी की मंशा हो या ना हो। ऐसा हाल कई जगहों का है, कई जगह से तस्वीरें भी ऐसी आती, खबरें भी निकल कर सामने आती हैं। खैर, आज हम बात करेंगे सिमरिया नगर परिषद की, जहां का घटनाक्रम तो विगत दिनों से एकदम विरोधाभास चल रहा है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वास्तविकता है क्या। नेताओं के इशारों में चलने वाली पुलिस भी सोच रही है कि आखिर कार्रवाई करे तो करे किस पर, घटनाक्रम को कैसे संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि विगत दिनों सिमरिया नगर परिषद में एक बैठक रखी गई, जिस बैठक में शामिल होने पहुंची थी नगर परिषद की अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा, क्योंकि तस्वीरों में ऐसा ही लग रहा है कि वह मीटिंग में सम्मिलित होने पहुंची थी, और उनके साथ परियोजना अधिकारी प्रियंका मिश्रा की भी तस्वीर है, क्योंकि परियोजना अधिकारी के साथ अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा की भी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन रानी विश्वकर्मा का एक पत्र भी सामने आया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बैठक की अनुमति नहीं ली गई थी। तो जब बैठक की अनुमति नहीं ली गई थी, तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अध्यक्ष वहां क्या करने पहुंची थी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब अध्यक्ष वहां पहुंची थी, तो मतलब उनके सामने ही ताला तोड़ा गया होगा। लेकिन अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा के पति राजेश विश्वकर्मा पहुंच गए सिमरिया थाने शिकायत करने कि नगर परिषद का ताला तोड़ा गया है। अब यह ताला तोड़ना सवालों के घेरे में है। खैर, यह जांच का विषय है। नगर परिषद की अध्यक्ष तस्वीरों में दिख रही हैं कि वहां वह मौजूद हैं, मतलब उनकी मौजूदगी में ताला तोड़ा गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो फिर किस पर कार्रवाई की जाएगी? वहां पर नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी ही मौजूद थे, तो फिर किस पर कार्रवाई की जाएगी? क्या नगर परिषद की अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया, उन पर कार्रवाई की जाएगी? क्या उनकी शिकायत के लिए उनके पति थाने पहुंचे थे, या फिर किसी और पर कार्रवाई की जाएगी? यह तमाम सवाल इस घटना के बाद जनता के बीच में उठने लगे हैं कि आखिर वह किसकी शिकायत करने पहुंचे थे थाने। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नगर परिषद की अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा ने बताया कि कोई अनुमति बैठक की नहीं ली गई थी, यह अनुमति किससे लेनी चाहिए, यह तो वही जाने कि इसकी अनुमति नगर परिषद अध्यक्ष देंगे या फिर CMO देंगे या कोई और देगा, जिसके इशारों पर नगर परिषद चलता है। तो फिर जब भाजपा के सदस्यता अभियान का कार्यक्रम नगर परिषद सिमरिया में आयोजित किया गया, तो उसमें किसने अनुमति दे रखी थी, जबकि यह पार्टी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। तो क्या BJP की मीटिंग के लिए ताला खुला रहेगा, और जिनके लिए वास्तव में सभागार बना है मीटिंग के लिए, उनके लिए ताला बंद रहेगा? बड़ा सवाल है। सारे नियम कायदे दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नगर परिषद में रखा गया, जबकि शासकीय कार्यालय के अंदर किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं रखा जा सकता। उसके बाद एक शासकीय कार्यक्रम, वह भी महिला विकास का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं पहुंची थी, आयोजित होना था, इसके लिए ताला बंद कर दिया गया, चाबी गुम हो गई, ताला तोड़ना पड़ा। आखिर इसकी चाबी किसके पास थी, किससे अनुमति लेकर इस ताले की चाबी मिलती है? क्या नगर परिषद अध्यक्ष से इससे चाबी मिलती है, या फिर CMO से लेनी पड़ती है, चपरासी से लेनी पड़ती है, अधिकारी से, कर्मचारी से, किससे लेनी पड़ती है? क्या जब नगर परिषद की अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा मौके पर मौजूद थी, क्योंकि उनकी तस्वीर भी सामने आई है कि वह वहां पहुंची थी, तो क्या वह ताला नहीं खुलवा सकती थी? ऐसे में जैसे नगर परिषद सिमरिया के विकास और अन्य कामों की चाबी दूसरे के हाथों में रहती है और जनता तड़पती रहती है, तो क्या इसी तरह से नगर परिषद के सभागार की भी चाबी दूसरे के हाथों में थी? जब ताला बंद के संबंध में महिलाओं ने विरोध किया, तो उनके खिलाफ ही अपराध दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गए। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के शासनकाल में कर्मचारी अधिकारी आम जनता के हित में निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं। दो तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर BJP की बैठक के लिए कौन अनुमति दिया था, चाबी कैसे मिल गई थी, और कार्यकर्ताओं की, जो कि शासकीय कार्यक्रम था, अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए किससे अनुमति मांगनी थी और किससे चाबी लेनी थी कि ताला तोड़ना पड़ा, ताला कौन तोड़वाया, यह बड़ा सवाल है। खैर, यह जांच के विषय है, देखना दिलचस्प होगा कि मामला निकलकर सामने क्या आता है।
बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।